कल मध्य प्रदेश में एक आईजी स्तर के अधिकारी ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटकर पुलिस की खाकी को कलंकित किया था, तो वहीं आज जनपद हमीरपुर में बड़ी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहर कोतवाल श्याम प्रताप पटेल थाने में आई महिला की फरियाद सुनने की बजाय उसे लात मारते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कब का है और इसे किसने बनाया है ये तो पता नहीं चल सका, पर एक बात तो तय है कि ऐसी घटना निश्चित ही खाकी के लिए एक बदनुमा दाग है। हालांकि हमीरपुर के एसपी ने बताया है कि इस वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीओ इस पूरे मामले की जांच करेंगे। थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की बात दिखाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि इधर बीच कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, यह घटना काफी पहले की प्रतीत हो रही है और इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए। सीओ सदर जांच करेंगे, जांच की रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर वीडियो में दिख रही महिला से जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह नहीं मिली, लेकिन शहर में चर्चा भी आम हो रही है कि खाकी की दहशत से वह महिला या तो कहीं चली गई है अथवा उसे किसी और स्थान पर भेज दिया गया है। महिलाओं पर अत्याचार का ठीक ऐसा ही एक वीडियो कल वायरल हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने अपनी पत्नी को बेदर्दी से पीटा था, जिसे उसके पुत्र ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वायरल होने के बाद उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई भी हुई है। अब देखना यह है कि महिला पर अपनी वर्दी की धौंस जमाते इस कोतवाल पर क्या कार्रवाई होती है। अच्छा।